वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। शॉकिंग था वैसे ये वीडियो, जिस तरह से ये पाकिस्तान में बैठ के जहर उगलते हैं ना, और यहाँ के लोगों के अंदर, भारत के लोगों के अंदर भी जहर डाली जा रहे हैं। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही हैं हमारे देश के अंदर भी। और जिस तरह से बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक था कि व्यूज़ के लिए ना कई कोने में जाके रंग रूंग जो लगा के ये चैनल वाले, कई रिएक्शन चैनल्स जो हैं इनका मैंने सुनने में आया था, कई वीडियोस भी आई थी कि इन पे रिएक्शन करना, मैंने कहा मैं तो नहीं कर रही इन पे, जिसमें ना सारे जो लेके जाती हैं माइक को मुँह के लेके जाते हैं वो बड़ा दिखा रहे हैं हम होली मना रहे हैं जी, उन्होंने खास वीडियोज बनाई है रंग रूंग लगा के वो दिखा के पैसों के लिए, वो सब उनका स्क्रिप्टेड होगा, लोगों को इकट्ठा कर लिया, पैसे दे दे के कर लिया वो सब। इतना तुम पाकिस्तान, वही तो यूनिवर्सिटी के मैं बोल नहीं रही थी जो ऊपर से हिंदू छात्रों के लिए पीटा गया वो अलग, लेकिन मजार है पुलिस ही आ गई मना करने, सड़कों पर उतर आता। और जब ऐसा ही कुछ भारतीय यूनिवर्सिटी में हिजाब को लेकर हुआ था तब यही बोल की, कर्नाटक में एक निहत्ती लड़की तकबीर की तासीर से हिंदू बलवाइयों दहशत गर्दों इंतहा पसंदों के आगे डट गई है। पहले भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबान पर जिंदगी तक की, मतलब बंदों ने भारतीय यूनिवर्सिटी में हिजाब बैन को लेकर हल्ला मचा दिया था। मुल्क वजीर आजम इस मुद्दे को लेकर यूएन पहुँच गया था, और पब्लिक एक छोटा सा इनिशिएटिव अगर उस लड़की ने लिया है तो हमारा औरतों के तौर पे और मुसलमान औरत के होते हुए मेरी पूरी सपोर्ट उस बच्ची के साथ है। हिजाब लड़की के आदर्शन है, इस्लाम जो है वो हिजाब को इसलिए लाया था क्योंकि हम हर कीमती चीज अपनी महफूज रखते हैं, जब तक आप हिजाब में रहेंगी लोग आपकी इज्जत करेंगे। और के हिजाब में उनकी इज्जत कैसे करते हैं? खूबसूरती हिजाब में ही है। पोल के हिजाब में खूबसूरती चेक कैसे करते हैं? ये है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पोलियो में हवस इस कदर कूट कूट कर भरी हुई है कि महिलाओं को हिजाब क्या लोहे का सूट भी पहना दोगे बंदे तब भी उसमें अपनी कील ठोकरी देंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी महिलाओं की माने तो क्या एक है जिसके ऐसा हिजाब ही ज्यादा पसंद की, इस वजह से कि जरा ढकी छुपी रहती है ना औरत, सेफ रहती है। मतलब से हर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अपने मजहब और त्योहारों पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। और कुछ दिनों पहले वायरल हो रही इस वीडियो को ही ले लो, होली के दौरान एक मुस्लिम फैमिली पर कुछ लोगों ने कलर क्या लगाया, पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया, बंदे जहर उगलते हुए कहने लगे भारत में हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमानों के लिए वबाले जान बन गए। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुस्लिम खानदान की मोटरसाइकिल रोकी और मोटरसाइकिल सवार के मुंह पर काला रंग मल दिया। सबसे पहले बोल के एक बात बताओ, मुस्लिम खानदान एक मोटरसाइकिल पर कर क्या रहा था? इस हिसाब से तो बिना हेलमेट ट्रिपल राइडिंग पर उनका चालान कटना चाहिए। मैं बोलने थे तीन लोग बैठे हैं बिना हेलमेट के, उन बंदों को ही जेल में डाल दिया गया, तीन बंदों ने ये सब हरकतें की थी। लेकिन पोर्की उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा पूरा सच थोड़ी बताएंगे, उन्हें तो इंडिया के खिलाफ सिर्फ दुष्प्रचार करना है। और भाई इन बंदों की हरामजादगी, बंदों ने मुस्लिम खानदान पर कलर डालने की ब्रेकिंग न्यूज तो भर भर कर चलाई, लेकिन हैदराबाद में हिंदुओं को मुस्लिमों ने होली खेलने से रोक दिया, उस खबर पर कोई पोर्की एक शब्द नहीं बोला। और भाई बोले भी क्यों, इन्हें तो वैसे भी हिंदुओं में काफिर नजर आते हैं, तभी तो आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं बचे। और जो थोड़े बहुत बचे भी हैं तो उनका जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। और भाई हिंदू तो छोड़ो, उनके जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे, बंदे उनका तक धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। पागल है क्या? कुछ सालों बाद पाकिस्तान में हिंदुओं का नामो निशान मिट चुका होगा, और जब पोलियों को अत्याचार करने के लिए दूसरे मजहब का कोई बंदा नहीं मिलेगा तो आपस में ही ओए होए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। शॉकिंग था वैसे ये वीडियो, जिस तरह से ये पाकिस्तान में बैठ के जहर उगलते हैं ना, और यहाँ के लोगों के अंदर, भारत के लोगों के अंदर भी जहर डाली जा रहे हैं। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही हैं हमारे देश के अंदर भी।
और जिस तरह से बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक था कि व्यूज के लिए ना कई कोने में जाके रंग रूम जो लगा के ये चैनल वाले कई रिएक्शन चैनल्स जो हैं इनका मैं सुनने में आया था, कई वीडियोस भी आई थी कि इन पे रिएक्शन करना, मैंने कहा मैं तो नहीं कर रही इन पे, जिसमें ना सारे जो लेके जाती है माइक को मुँह के लेके जाते हैं वो बड़ा दिखा रहे हैं हम होली मना रहे हैं जी, उन्होंने खास वीडियोस बनाई है रंग रूम लगा के वो दिखा के पैसों के लिए, वो सब उनका स्क्रिप्टेड होगा, लोगों को इकट्ठा कर लिया पैसे दे दे के कर लिया वो सब। इतना तुम पाकिस्तान का हालत देखो, जिस तरह से एक्चुअल लोगों की मेंटालिटी है वो बेवकूफ बनाई जा रहे हैं इंडियंस को, और इंडियंस जो है वो बनते जा रहे हैं बेवकूफ। फिर कई पाकिस्तानी चैनल्स क्या दिखा रहे कि हिंदुओं ने इंडिया से पाकिस्तानी मुस्लिमों के लिए वो क्या बोलते हैं, क्या चल रहा है इनका अभी, ये कौन सा टाइम चल रहा है ये रमजान, हाँ रमजान, उसके लिए उनके लिए खाना और पैसे भेजे हैं। वो रिएक्शन जो देख के करते हैं उन वीडियोस को वो भी बड़ा उसको बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, जो लोग हैं वो माइक वाले जो है वो मंगवा रहे हैं पैसे, ऐसे लग रहे हैं इंडियंस और ऐसे बेवकूफ इंडियंस जो इंडिया से पैसे भेज रहे हैं उन्हें, और फिर वो दिखाते छोटे छोटे थैले बना लेते हैं दो दो रुपए के कि हम जी उनको लेके जा रहे हैं मुसलमानों को दिखाने। मान लीजिए अगर आप किसी भिखारी को देखें राइट, अगर वो खाली कटोरा अपने आगे रख दे राइट, तो कोई उसको देता नहीं है क्योंकि लोग देते हैं इसने किसी ने नहीं दिया, मगर वो क्या करते हैं कटोरा रखते हैं और अपना पैसा डाल के उसमें टॉयलेट डालते हैं। वो ये पाकिस्तानी करें, अगर आपने भेजा ना भेजा कई बार की, पहले सुबह सुबह जो भिखारी आएगा पहले, क्योंकि मैंने भी बाय चांस ऑब्जर्व किया कि भिखारी आया, उसमें भिखारी नहीं था वो परफॉर्मर था, परफॉर्मर्स भी होते हैं ना जो सड़क पे खड़े होकर डांस डूंस या कुछ सेटअप कर रहा था, परफॉर्मर वो कर क्या रहा था, उसने पहले आगे कटोरा रखा और फिर अपने पैसे निकाले अपने पैसे उसमें डाले। हाँ ये मुझे याद आ कि लोगों को नजर आए कि लोग इतना देखे गए हैं तुम भी दो। हाँ तो उस फिर मेरे को साइकी कि क्यों पैसा अपने डाला, फिर समझ आया ओ माय गॉड लोगों की साइकी को चेंज करे, देखो इतना सारा लोग देखे चले गए तुम भी दो, तुम भी दो, यही वो पाकिस्तानी का खाली कटोरा रखता तो कोई नहीं देता, वही पाकिस्तान, दैट इज द क्रेजीनेस जो हो रही है, ये ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं भैया बच्चो इन लोगों से। अब ये अगर वो अपने व्यूअर्स को बोल दें भैया इंडिया से इतना हमारा जंदा है तो और लोग बोले अच्छा मैं भी दूंगा समथिंग लाइक दैट। सबसे पहले तो इलीगल है इंडिया से पैसा भेजना पाकिस्तान को, और जिस तरह से और अलग बेवकूफ बन रहे हो ना बनना बंद करो, एक्चुअली में ये हालत है पाकिस्तान की और ये सोच है जो आपको यहाँ दिख रही है, बाप रे वो शॉकिंग है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।